तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। एक मशहूर शायर थे, हमारे पड़ोसी थे, जब जेल में बंद थे तो उन्होंने एक बहुत मशहूर शायर लिखा था। तमाम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में शायरी हुई, जिसने गाया उसको कह दिया गया कि वो आतंकवादी है। हम भी देखेंगे कि कातिलों के हाथ कितने लंबे हैं, हम भी देखेंगे। आज उसी तरीके से जब से पप्पू यादव जी अंदर गए हैं, उनके कार्यकर्ता भी दिखा रहे हैं कि हम भी देखेंगे कि कातिले बाजू कातिल में कितना दम है। आज इसी के तहत कई दिनों से जब से पप्पू यादव जेल कस्टडी में, अंडर मेडिकल कस्टडी में, अगर आमतौर भाषा में कहें तो डीएमसी में कहना चले, जब से वो अंदर है, तमाम बिहार के कार्यकर्ता अलग अलग आज उन्होंने अपने निवास स्थान पर मुंडन किया। इस मुंडन में वो भी हम सुनाते हैं क्या कारण है, और वो भी सब आखिरी में मैं फिर कहूंगा। इनका कहना है कि फिर हम देखेंगे, तो आगे क्या होगा उसका हालात यही दिखाएंगे और बिहार की जनता भी देखेंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद, चोर प्रताप रूड़ी को गिरफ्तार करो, चोर प्रताप रूड़ी को गिरफ्तार करो, चोर प्रताप रूड़ी को गिरफ्तार करो। एसी में मस्त है और बाहर जनता पस्त है। इस सरकार को जगाने के लिए, सरकार की नीति साफ करने के लिए कि सरकार की कथनी और करनी जो अलग अलग है उसको उजागर करने के लिए आज हम लोग ये जो है ये काम कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। क्योंकि जो चोर था, जिसने एम्बुलेंस चुरा के रखा अपने कार्यालय के अंदर में, बीजेपी के हमारे राजीव प्रताप रूड़ी, वो रहा है। और जो साथ जिन्होंने पर्दाफाश किया, माननीय पप्पू यादव जी, आज वो जेल के अंदर में है, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। उसी विरोध में आज हम लोगों ने अपना बाल मुंडन कराया है और बाल मुंडन करा के एक बिहार सरकार को संदेश देना चाहा है कि अविलंब इसको किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में पप्पू यादव को रिहा किया जाए और राजीव प्रताप रूड़ी को अविलंब गिरफ्तार करके समाज में, बल्कि बिहार सरकार अगर कि अपने आप को चाहती है कि उसकी नीति साफ है, तो अविलंब उसको गिरफ्तार करे और पप्पू यादव को रिहा कर। अगर ऐसा नहीं होता आगे क्या करते, तो हम लोग बाल मुड़वा करके एक छोटा सा पैगाम देना चाह रहे कि जो लोग बाल मुड़वा सकते हैं वो लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। हम लोग आत्मदाह करने को तैयार हैं। अगर राजीव प्रताप रूड़ी को गिरफ्तार नहीं किया गया और अविलंब पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया। नाम बताया जाए, डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी लोकतंत्र। पप्पू यादव को जब से गिरफ्तारी हुई तब से आप लोग उनकी माननीय मुख्यमंत्री की कभी अर्थी यात्रा निकाल रहे, कभी उनका पुतला दहन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, कहीं मौन व्रत धारण कर रहे हैं। आज आप लोगों ने एक स्पेशल कार्यक्रम रखा मुंडन, मतलब कानों पर चू तक नहीं हो रही है सरकार की। आप लोग कहना क्या चाहते हैं, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? ये निर्लज्ज बिहार सरकार है, ये सुन नहीं रही है, लेकिन इनको सुनना पड़ेगा अंतोगत, क्योंकि पप्पू यादव के हम लोग सिपाही हैं और पप्पू यादव एक सेवक के रूप में बिहार में काम करने का काम करते हैं, ना कि पप्पू यादव कोई राजनीति करते हैं। पप्पू यादव पूरे बिहार में, चमकी बुखार हो, बाढ़ हो या कोरोना काल हो, हर परिस्थिति में आम जनता के साथ खड़ा होते हैं, हॉस्पिटल हो या शमशान घाट हो। पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार बिहार सरकार अपने पप्पू यादव जी के डर से उनको गिरफ्तार कर जेल के पीछे रख दिया गया है। पप्पू यादव जी जहाँ राजीव प्रताप रूड़ी सारण सांसद है, 45 एम्बुलेंस को अपने आवास के पीछे छिपा कर रखा, जो आप लोगों ने देखा, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया? दोषी पप्पू यादव तो नहीं है, दोषी तो राजीव प्रताप रूड़ी है, उसको आप बाहर छोड़े हुए। पप्पू यादव जी जनसेवक है, उनको आप गिरफ्तार कर जेल के पीछे रखे और ये गाड़ी साजिश करता है। इसलिए पप्पू यादव जी को हर हाल में बिहार सरकार को रिहा करना पड़ेगा, चाहे जिस परिस्थिति में रिहा करें, चाहे बिहार की लोकल मीडिया हो, देश की नेशनल मीडिया हो, आजकल इंटरनेशनल मीडिया में भी पप्पू यादव का चर्चा है, पक्ष विपक्ष, आम जनता या जो भी समाज कार्यकर्ता है, सब पप्पू यादव से सहानुभूति रखते हैं। और ये 32 साल के केस के वो खिलाफ भी हैं, जहाँ कोरोना काल में क्या पप्पू यादव जी और भी कुछ करना चाहते, जिससे सरकार को डर लगा कि चलो को उनका कोई केस है तो उखाड़ो और अंदर डालो? पप्पू यादव जी हर हाल में, हर परिस्थिति में आम जनमानस के साथ है, गरीब जनता के साथ है, आम आवाम के साथ है। अभी इस कोरोना काल में पप्पू यादव जी को लगभग 8-10 दिनों से जेल के पीछे रखा है, कितने लोगों का परेशानी बढ़ गया है, कितने लोगों को IGM PM हो या अन्य किसी अस्पताल में पप्पू यादव जाकर मदद करते थे, वो तो अभी मदद बंद हो गया है। अगर पप्पू यादव जी होते थे तो किसी मरीज के साथ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाला मनमानी तरीका से पैसा ले लेते थे,
जो अभी हॉस्पिटल माफिया मेडिकल माफिया मनमानी तरीका से पैसा ले रहे हैं। आपका नाम? राजेश कुमार यादव, सीवा जिला दरभंगा। ये बात औरतें बाल मुड़वाती है, आप मुसलमान है उसके बाद भी आपने बाल क्यों मुड़वाया, क्या कारण? इसलिए कि मेरा नेता मर चुका है, मेरा प्रधानमंत्री मर चुका है, मेरा नीतीश मर चुका है, इसी कारण हम लोग बाल मुड़वा रहे हैं। मेरे पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, उनके लिए अगर जान देना पड़े तो हम जान भी देंगे। तो बाल मुड़वा, अगर बाल गिरता है तो कई डॉक्टरों से मिलता है, लेकिन अपने नेता के प्रति इनका इतना प्रेम है कि अपने बालों का भी इन्होंने त्याग किया। आइए तो पूछते हैं इनसे कि क्या बालों का त्याग या कुछ और भी भविष्य में करने का सोच है अगर इनके जनप्रतिनिधि को नहीं छोड़ा जाता। जी, आजकल के युवाओं को बालों से बहुत प्यार होता है, बहुत सारे हेयर स्टाइल पे हजारों रुपए खर्चा करते हैं। आपने अपना बाल का कुर्बानी किया, क्यों? सर, ये विरोध है पप्पू यादव के खिलाफ फर्जी गिरफ्तारी को लेकर, और जिस तरह से ये सरकार का रवैया है आगे इससे भी गंदा विरोध हो सकता है। ये छोटा सा संदेश है, जिस तरह हम अपने बाल की बलि दे सकते हैं, अपने नेता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो चेतावनी है ये। और नीतीश कुमार को समझना होगा कि अभी का युवा जो है वो सारे चीजों को समझता है, राजनीति क्षेत्र को समझता है। देखिए यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ? ये पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर ये हमारा लगातार संघर्ष जारी है और जारी रहेगा।